आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ प्लैंक्स भी कुछ डिफरेंट टाइप जो कि आपकी बॉडी की शेप के लिए, आपके सिक्स पैक की शेप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में काफ़ी मजा आएगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को अपने कजन फ्रेंड फैमिली में और यार उन लोगों में भी जिनको एक्सरसाइज का शौक है। तो फर्स्ट नंबर वाला जो कॉमन प्लैंक है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा प्लैंक, सबसे जो कॉमन प्लैंक होता है ना हमारे यहाँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हूँ। आप लोगों ने कुछ इस शेप में आना होता है और इस प्लैंक में ना आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है और आपने इस प्लैंक की ये जो प्लैंक का इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपकी जो सिक्स पैक की शेप है ना वो काफ़ी अच्छी आती है इस प्लैंक एक्सरसाइज पे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी डिफरेंट प्लैंक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे यार आप लोगों की बॉडी बहुत यूनिक और बहुत शेप में आ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा टीवी स्टार्स को, वो बेसिकली क्या होता है उनके पास जस्ट 3 या 2 मंथ्स का टाइम होता है अपनी बॉडी को शेप में करने के लिए और वो इस सिंपल एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी बॉडी को इन शेप में करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के। सो गाइस अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्लैंक की सेकंड टाइप जो कि यार बहुत यूजफुल होने वाली है तुम्हारे लिए। तो पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि बिल्कुल प्लेन हो, जैसे कि यार मैं तो पार्क को प्रीफेयर करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों के घर में कोई भी गार्डन या फिर कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। हम लोगों ने पार्क को प्रीफेयर किया, आप लोगों ने एक्सरसाइज को करके दिखाता हूँ। अब ये है बेसिकली प्लैंक की सेकेंड टाइप। अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपनी थर्ड प्लैंक एक्सरसाइज को, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसमें बिल्कुल आपकी शेप चेंज हो जाएगी। ये है राइट प्लैंक, राइट साइड प्लैंक इसको कहा जाता है सिंपल वर्ड में। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी बॉडी को फ्लो करके रखना है और ऐसे आपने यहाँ पे खड़े लेना, इससे आपके ये वाले जो मसल्स है ना ग्रो होते हैं। अच्छा आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें पुशअप नहीं करनी है, हमारी राइट साइड प्लैंक है तो आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इससे आपकी ये वाले मसल्स ग्रो होते हैं। और लेफ्ट साइड प्लैंक भी अपने तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो मैं करके दिखाता हूँ फोर्थ प्लैंक जो कि हमारा लेफ्ट साइड प्लैंक। और आप लोगों ने अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट को ऐसे रखना है और ऐसी इस स्ट्रेट पोजिशन में आप लोगों ने रखना है अपनी बॉडी को। ये लेफ्ट साइड प्लैंक होता है, ये आपके लेफ्ट के जो मसल्स होते हैं ना उनके लिए काफ़ी यूजफुल प्लैंक है। और अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, सही है ना, बॉडी को बाइंड बिल्कुल भी नहीं करना, सही है ना। इस एक्सरसाइज का एक कॉमन रूल ये है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, प्लैंक एक्सरसाइज स्ट्रेट तरीके से ही होती है। तो अब हम लोग करेंगे भाई अपना फिफ्थ प्लैंक एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को 30 डेज परफॉर्म करने का आपकी बॉडी की शेप बहुत यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इन शेप हो जाएगी। फिफ्थ नंबर वाला प्लैंक है ना, अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं आ रही है। इस शेप में आ जाना, प्लैंक की शेप ही रियल वाली है लेकिन बस थोड़ी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। ये प्लैंक काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इससे आपकी ना बॉडी काफ़ी, ये जो साइड है ना प्लैंक को, ये जो हमारा सिंपल प्लैंक है ना उससे थोड़ा यूजफुल है आप कह सकते हो, कॉमन इतना नहीं है। तो अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने सिक्स प्लैंक एक्सरसाइज। अपने सिक्स प्लैंक एक्सरसाइज जो कि है प्लैंक टू टैप्स और मैं आपको अच्छी करके दिखाता हूँ, थोड़ी डिफिकल्ट है। और यहाँ पे आप लोगों ने पहले अपनी बॉडी को शेप में कर लेना है प्लैंक की शेप में, उसके बाद आपने अपने हैंड को स्ट्रेट करके ये वाले लेग को इससे टच करना और ये वाली लेग को इससे टच करना। बस अब हम लोग ओपन होते हैं सेवन प्लैंक प्लैंक एक्सरसाइज। तो अब मैं तुम्हें बैक साइड रिवर्स प्लैंक एक दफा करके दिखा देता हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे। अपनी बॉडी को साथ साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अपने अपने शोल्डर जो है ना लेवल में रखना है और अपने हैंड को ना अपने बिल्कुल बैक पे ले जाना है। ये हमारी प्लैंक रिवर्स प्लैंक एक्सरसाइज है और होपफुली आप लोगों को रिवर्स प्लैंक एक्सरसाइज समझ आ गई। थोड़ा डिफिकल्ट है वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है।